हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम तैयार हो रहे हैं एक स्पेशल जगह जाने के लिए जो कि है मेला। तो ये देखिए, ये हमारा प्ले बॉय स्मार्ट बॉय तैयार हो रहा है और ये बिल्कुल हैंडसम राजा जी बन गए। राजा जी, आहा रहा नहीं जाता। तो ये हो चुका है हमारा भाई तैयार, और ये उठा मैं भी तैयार हो चुका हूँ। ये देखिए झूम उठा है तो मेले नाले के नाम पे। चलिए हम चल पड़े हैं मेले की ओर। अब गाइस हम पैदल जा रहे हैं, थोड़ा दूर है मेला तो थोड़ा दूर है तो टाइम लगेगा। हम जा रहे हैं पैदल, गाड़ी हमारे पास है नहीं, ऑटो के पैसे दिए नहीं। यहाँ से हम हमारे एक और फ्रेंड को पिक करेंगे, ये अरमान उसे कॉल कर रहा है पर वो रूम पर है नहीं। चलिए देखते हैं आगे मिलेगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ टपरी पर बैठ गया, चाय पी रहा है और हम लोग उसे फ़ोन लगा रहे थे तो फ़ोन उठा नहीं रहा था। गाइस ये पी चुका है चाय और इसे भी लेकर हम लोग चलते हैं मेले में। चलते चलते आ गए हम मार्केट में। हमने मार्केट क्रॉस किया और ये गाइस हम लोग अब आ चुके हैं ATM पर, जहां हमने 100-100 रुपये का चंदा करके 300 रुपये कलेक्शन किया है। ये हमारा फ्रेंड से अकाउंट से पैसा निकाल रहा है। पैसे आ रहे हैं गाइस, आ गए। 100-100 के नोट थे नहीं तो मजबूरी में हमें 500 रुपये निकालने पड़े। अब इसी 300 रुपये में हम पूरा मेला कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अब कुछ ही दूर पे मेला आने वाला है। मौसम बारिश का हो रहा है, अगर बारिश गिर गई तो पूरा व्लॉग धरा रह जाएगा। सो लेट्स प्रे कि पानी ना गिरे और हम पूरा मेला कवर कर सकें। अब यहाँ हमें कुछ हमारे छोटे दोस्त मिल गए जिनसे हमने बातचीत करी। बस ये देखिए, मेले में पहुँचते कितना खुश हो गया। और ये हमारा प्ले बॉय, ये हमारे छोटे गाइस को बाय, छोटे दोस्तों को बाय बाय करते हुए हम फिर चल पड़ते हैं मेले की ओर। चलिए गाइस चलते हैं मेले में। थोड़ी देर कुछ दूर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन मेले में, जो कि लगा है अंडाल रेलवे ग्राउंड में। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको मेला। कल रात में बहुत तेज़ बारिश होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे मेला। चलिए ये ले चुके, लिए ले लिया हमने ग्रैंड एंट्री मेले के अंदर। और देखिए गाइस कोई भी नहीं है मेले में। तो चलिए गाइस, लगता है हम लोग थोड़ा टाइम से पहले आ गए हैं। मेला स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, कोई नहीं। तो जब तक हम घूमते देखते हैं पूरे मेले में क्या क्या है हमारे देखने लायक, फिर दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस आते हैं घूम कर। तो गाइस घूमते हमने देख लिया पान की शॉप और हम यहाँ रुक गए। देखते हैं अंकल क्या बना रहे हैं। ये अंकल बना रहे हैं स्मोक पान, जो इनकी स्पेशलिटी है यहाँ की। बाकी इनके पास और भी वैरायटी के पान हैं, लेकिन स्मोक पान की स्पेशलिटी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं। तो गाइस अंदर स्मोक पान बन रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। ये इनका स्मोक पान बनके रेडी है। ये खाया स्मोक पान और ये बिल्कुल धुआंधार मुंह को चिमनी बनाते हुए धुआं छोड़े ही जा रहे हैं। ये भाई बहुत ट्राई कर रहे हैं रिंग बनाने का, लेकिन नहीं कर पाए। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो देखिए गाइस, हमारा ये बंदा पान ट्राई करने वाला है, लेकिन नॉर्मल पान, क्योंकि स्मोक पान का हमारा बजट नहीं है। तो ये ले लिया नॉर्मल पान और ये खा लिया इसने बिल्कुल पूरा पान, अकेले खा लिया, किसी के साथ बांटा भी नहीं। और देखिए कैसा खुश हो रहा है पान खा के। और गाइस आप लोगों को भी कौन सा पान पसंद है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। स्मोक पान, नॉर्मल पान, फायर पान, जो भी आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पान खाते खाते हमारी नज़र पड़ी पास ही मतलब एक बुक स्टॉल पर, तो हम आ गए बुक स्टॉल देखने के लिए। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ हमारे पढ़ने लायक कोई बुक मिलती है क्या। तो गाइस यहाँ पे बहुत टाइप की बुक्स, नॉवेल और सब यहाँ पर था, बट सब बंगाली में था, जो हमें घंटा ही समझ में नहीं आती। तो गाइस यहाँ पर बुक्स लेने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी हमारा दोस्त समझने की कोशिश कर रहा है कि कभी एक हाथ शब्द ये बंगाली समझ सके। ये देखिए गाइस इतना गौर करके पढ़ रहा है और आती से कुछ भी नहीं है बंगाली में।
ये देखिए गाइस कितना बड़ा बुक स्टॉल है, सभी बुक्स नॉवेल मैगजीन बच्चों से रिलेटेड केजी फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड सब बुक्स वगैरह सब अवेलेबल थी, बट वही सब बंगाली में ना, हिंदी पंजाबी में तो पढ़ लेते। तो चलिए आगे चलते। तो गाइस थोड़ी देर तक मेला घूमने के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन से झूले में बैठा है, यही सब डिस्कस चल रहा था। डिस्कस करते करते इसी बीच जोरदार बारिश चालू हो गई। तो देखिए गाइस हम सब छुपे हुए हैं बारिश से बचने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने तेज़ बारिश गिर रही है। ये देखिए गाइस कुछ देर बारिश होने के बाद का सीन, ये हाल हो चुका है पूरे मेले का बारिश की वजह से। फिर भी हम लोग मेला घूमेंगे क्योंकि हमें प्रेशर अब उसी के। फिर घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सेल लगी है कपड़ों की। ये देखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह कपड़ों की सेल लगी हुई है और काफ़ी अच्छे प्राइजेस में यहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस मात्र 60 रुपये में यहाँ पर शॉर्ट्स मिल रहा है। 60 रुपये में यहाँ पर अच्छे अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये देखिए गाइस एक और शॉप लगी, यहाँ भी ज़ोरदार सेल ऑफर है। दिखा दूँ देख के ओनली 7 रुपये में कुछ भी जो आपको पसंद है उठाइए 7 रुपीज़ में। गाइस अब तक का सबसे सस्ता सेल मैंने यहीं देखा है, इतने मेले में मैं घूमा हूँ लेकिन 7 रुपये में आइटम से यहीं मिल रहा है। तो फिर भी हमने कुछ नहीं लिया, इतना सस्ता था तो भी। चलते चलते आ गए एक और कपड़े की शॉप पर, जहाँ पर देखें यहाँ भी सेम रेट में शॉर्ट्स जॉगर्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है 150-120 में। घूमते घूमते यहाँ सामने एक शॉप और है, यहाँ पर भी यही हमारे डेली यूज़ के आइटम्स प्लास्टिक आइटम्स की सेल लगी है। तो गाइस इस शॉप पर लगी थी 7 रुपये में सेल, तो हमने यहाँ से हमारे कुछ काम की चीज़ें ले ली, जैसे कि शॉप सोप केस बाउल और 2-3 प्रोडक्ट्स हम यहाँ से लिए हैं। ये प्रोडक्ट्स लेने के बाद हम आ गए चलते चलते, देखिए गाइस सब हम आ चुके हैं। तो ये गाइस आ गए हम ये दूसरी साइड जहाँ पर लेडीज़ आइटम आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह मिल रही थी। देखिए गाइस इतनी खूबसूरत अच्छी ज्वेलरीज यहाँ पर मिल रही है, बट ये हमारे किस काम की, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। ये गाइस एयर रिंग्स नेकलेस क्लचर वगैरह बहुत सारी लेडीज़ आइटम्स की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। गाइस देख सकते हैं आप पूरा भरा पड़ा है बिल्कुल लेडीज़ आइटम्स है पूरी शॉप। देखिए गाइस यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज मिल रही है, लेकिन हम ठहरे सिंगल लौंड है, हम यहाँ से क्या ही ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप अपनी बंदी को जीना चाहे तो इसमें से कुछ ले सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ से हमने तो कुछ नहीं लिया है, लेकिन ये हमारा प्ले बॉय है यहाँ से बहुत सारा आइटम ले चुका है और अभी भी लेते ही जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको उसने क्या क्या लिया है और किस किस के लिए लिया है, वो हमें नहीं बताएगा लेकिन फिर भी हम उससे पूछेंगे। चलिए और ये देखिएगा इस शॉप पे सब छोटे छोटे डेली यूज़ के आइटम है। देखिएगा यहाँ पर कीचेन है, कितना अच्छा अच्छा सुंदर कीचेन यहाँ पर मिल रहा है, वो भी सिर्फ ओनली 7 रुपीज़ में। बारिश की वजह से बहुत सारी शॉप पे लाइट कट हो चुकी है, बट जहाँ भी लाइट है वहाँ घूम रहे हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल किचन है, इसमें से एक हमें पसंद आ गया था, ये हम ले लेंगे। इसका 7 रुपये का पेमेंट करने के बाद हम लोग आ गए हैं आगे। ठीक है ये देखिए गाइस अब लाइट आ चुकी है। किसको नहीं लगा रहे पासूरा चौक खेते भूल गए यार चोलिया सो मेला आगे। तो गाइस बहुत देर तक घूमने के बाद अब हमें लग चुकी है भूख, तो चलिए देखते हैं यहाँ का फूड कोर्ट क्या क्या यहाँ पर खाने लायक आइटम अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं गाइस आइए। और गाइस फूड कोर्ट्स की सारी शॉप घूमने के बाद हमने यहाँ का मेन्यू कार्ड देखा जो कि बहुत हाई बजट था और हमारा बजट था सिर्फ 250, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो गाइस हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। ये देखिए यहाँ पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह सब अवेलेबल है। देखिए ये बिल्कुल रेडी गरम गरम पिज़्ज़ा बना के सर्व कर रहे हैं, बट ये भी बहुत महंगा है तो हम ये भी नहीं लेंगे।
ये भेल पूरी, तो देखिएगा इस पाव भाजी की भी स्टॉल लगी है यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर नॉन वेज प्रोडक्ट भी मिलते हैं, और हम ठहरे वेज, तो इसलिए भी हम लोग यहाँ कुछ खा नहीं रहे। और दूसरी प्रॉब्लम है बजट, जैसा कि आपको। तो गाइज पूरा फूड कोर्ट घूमने के बाद हमने देखा कि यहाँ खाने के लिए बहुत सारे आइटम्स है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, बहुत सारी चीज़ें थी, बट वही प्रॉब्लम है कि सब कुछ आउट ऑफ बजट था, तो हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया। चलिए गाइज घूमते घूमते बज चुके हैं रात की 10, तो हम चलते हैं हमारे रूम पर, क्योंकि कल सुबह ड्यूटी भी जाना है। तो चलिए गाइस हम चलते हैं अब घर की ओर, और फिर बारिश का मौसम हो चुका है, तो हम सोचे कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। और गाइस घूमते घूमते हमने देखा कि समोसे की शॉप भी खुल ली है, जहां से हम रोज़ समोसा खाते हैं, और हमें भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने सोचा चलो आज समोसा ही खाया जाए। तो देखिए गाइस हम लोग आ चुके हैं शॉप पर, और ये ले लिए हमने दो समोसे। ये आप देख सकते हैं समोसा यहाँ बहुत टेस्टी चटनी के साथ सर्व किए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये समोसा बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए गाइस, बारिश हो गई, हरी भरी समोसे की चटनी है, मस्त, बस साथ में चाय हो जाती ना, हाँ मज़ा आ जाता एकदम जन्नत। तो गाइज यहाँ से समोसा खाने के बाद हम जाएंगे सीधे हमारे घर, क्योंकि कल सुबह हमें ड्यूटी भी जाना है। और अगर यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक